नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग भारत का इतिहास देख चुके, विश्व का इतिहास देख चुके, भारतीय कला और संस्कृति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी भारतीय प्रदेश एवं आदिम जातियों के बारे में, यानी कि जनजातियों के बारे में देखा था। सभी राज्यों की आपकी जनजातियाँ देखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रेडियो, दूरदर्शन एवं फिल्म के बारे में। ठीक है। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना 1927 में प्रारंभ किया था। जो आपकी आकाशवाणी है आज की, इसने 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से काम करना प्रारंभ किया था। ठीक है। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास 1927 में बंबई और कलकत्ता में दो गैर सरकारी ट्रांसमीटरों की सहायता से शुरू हुआ था। 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा। तो याद रखना, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से 1927 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। 1936 कब? 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में यही है। तो 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, 1930 में भारतीय प्रसारण सेवा बना, 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो कर दिया नाम इसका बदलकर, और 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र प्रयोगात्मक रूप में 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया। फिर उसके बाद 1976 में टेलीविज़न को आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम से एक स्वतंत्र संगठन स्थापित किया गया। दूरदर्शन की पहली नियंत्रित सेवा अगस्त 1965 में दिल्ली में प्रारंभ हुई थी आपकी। 15 अगस्त 1982 से इनसेट 1A से राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ, याद रखना है इसे। ठीक है, आगे चलते हम लोग। सितंबर 1984 को से दिल्ली दूरदर्शन का दूसरा चैनल भी शुरू हो गया। 14 से 23 सितंबर 1984 के बीच भारतीय दूरदर्शन में ने रजत जयंती वर्ष मनाया। दूरदर्शन का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम है। अगर आपसे कहीं पूछ ले आ जाए दूरदर्शन का उद्देश्य, तो याद रखना सत्यम शिवम सुंदरम। वर्तमान में इनसेट 1D से दूरदर्शन का प्रसारण किया जा रहा है। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा जनवरी 1986 से प्रारंभ की गई है। भारत में ब्लैक एंड ब्राइट टीवी सेट का निर्माण 1969 से देश के भीतर किया जाने लगा। फिर आपका 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक मूक फिल्म बनाई गई थी। तो याद रखना, राजा हरिश्चंद्र मूवी कब बनाई गई थी फिल्म? 1913 में पहली फिल्म थी। 1931 में आलम आरा फिल्म के निर्माण के साथ मूक फिल्मों का युग समाप्त होता है तथा बोलती फिल्मों का युग प्रारंभ हुआ। यह प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी। इसके निर्माता थे अंदेसिर ईरानी। 1931 में
आलम आरा। भारत में सबसे पहली निर्मित रंगीन चलचित्र मुगल ए आजम है। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र आपका मुगल ए आजम है, परंतु सर्वप्रथम यह भी रंगीन नहीं था, बाद में से रंगीन बनाया गया। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका बेन क्रैंगजिले ने निभाई थी। याद रखना, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन बेन क्रैंगजिले ने। फिल्म विभाग की स्थापना यानी कि फिल्म विभाग की स्थापना 1948 में मुंबई में की गई थी। यह राष्ट्रीय एकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फरवरी 1964 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना की गई। 1964 में आपकी भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना की गई। भारतीय बाल फिल्म संस्था की स्थापना 1955 में स्वायत्त संगठन के रूप में हुई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अगस्त 1965 में जनसंचार में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। तो ये थी सामान्य जानकारी आपकी रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्म से संबंधित। लास्ट टॉपिक बचता है हमारा आर्ट एंड कल्चर का। भारत में विश्व धरोहर स्मारक देखेंगे। इसके साथ आपका भारतीय कला और संस्कृति खत्म हो जाता है। उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। याद रखना, आपके जितने भी इससे संबंधित क्लासें होंगी सामान्य ज्ञान से, वो सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डली रहेंगी। ठीक है, याद रखना।